अगर गाइज व्हाट्सएप के अंदर अचानक से आपके जो स्टेटस होते हैं वो अचानक से गायब हो चुके हैं, कोई भी स्टेटस यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं देता तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है और आप इसे कैसे वापस ला सकते हैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। तो अगर गाइज आप स्किप करेंगे वीडियो आगे बढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइज सबसे मेन जो रीज़न होती है आपके कॉन्टैक्ट्स, अगर आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स आपके डिलीट कर दिए हैं तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर आपने मूव किया है अपने कॉन्टैक्ट्स को पूरे जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आपके एसडी कार्ड से अगर अपने फ़ोन मेमोरी में लिया है या फिर फ़ोन मेमोरी से एसडी कार्ड में, तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, या फिर जो जीमेल आईडी आपने लिंक की होती है इसके अंदर अगर वो भी रिमूव हो जाती है तब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसे फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस व्हाट्सएप को होल्ड करना है, आई बटन में चल जाना है, आपको स्टोरेज में चल जाना है, ठीक क्लियर कैच कर लेना है, बैक आ जाना है, फोर स्टॉप कर लेना है, ओके कर लेना है, फिर आपको बैक आ जाना है, फिर यहाँ पर आपको ऊपर आना है परमिशन में, इसके अंदर चल जाना है। जैसे ही परमिशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट्स की परमिशन यहाँ पर ऑलोड है या नहीं देख लेना है, तो ऑलो में इतने ही है, तो कॉन्टैक्ट की परमिशन नहीं है तो कॉन्टैक्ट की परमिशन आपको दे देना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, फिर ऑलो कर लेना है, बैक आ जाना है, फोर स्टॉप कर लेना है, ओके कर लेना है, बैक आ जाना है, फिर अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है, फिर यहाँ से आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद एक मतलब आपको आ जाना है अंदर अपने व्हाट्सएप में, इसके बाद यहाँ पर आपको लिस्ट में आना है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाना है, फिर यहाँ से आपको थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना है, जिससे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। और जो स्टेटस की बात है, स्टेटस के लिए आपको यहाँ पर वेट करना होगा, जितने भी स्टेटस होते हैं वो सभी डिलीट हो जाते हैं गाइस, कॉन्टैक्ट अगर वो सिंक नहीं करता व्हाट्सएप, तो जैसे लोग यहाँ पर रखेंगे स्टेटस वैसे वैसे आपको पता चलते रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको समझ आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।